गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स असलम हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स टूडे इज माई नाइनटीन लेक्चर ऑफ क्लास फाइव स्टूडेंट्स टेक आउट यू बुक एंड लेट स्टार्ट रीडिंग यूनिट नंबर थ्री दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेसिक्स जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क स्कैनर के बारे में पढ़ चुके हैं ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी वजह से हमारे हार्डवेयर काम करते हैं ठीक है विदाउट सॉफ्टवेयर कोई भी हार्डवेयर काम नहीं कर सकता है ठीक है जो आज का टॉपिक है हमारा है वो स्पॉर्टिव सॉफ़्टवेयर अब स्पोर्टिव सॉफ्टवेयर क्या होता है ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सपोर्ट करते हैं यूज़र को कोई भी काम करने के लिए ठीक है लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्पोर्टिव सॉफ्टवेयर देर आर सेवरल सॉफ्टवेयर्स विच कैन बी यूज फॉर हेल्पिंग द यूज़र ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक यूज़र को कोई भी काम करने के लिए हेल्प करते हैं मदद करते हैं ठीक है दीज आर द दान्स विच आर यूज फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स डूइंग कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स और क्रिएटिंग प्रजेंटेशन ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कोई भी रिकॉर्ड को मैंटेन करने के लिए बनाए जाते हैं ठीक है और कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए और कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाने और क्रिएट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए गए होते हैं ठीक है दिस कैन बी कैटेगराइज एज स्पॉटिक सॉफ्टवेयर अफ यू स्पॉटिस सॉफ्टवेयर आर मैंशन पिलो अब ये जो कुछ कैटेगरीज हमने बना ली हैं स्पॉटिक सॉफ्टवेयर की एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं ठीक है ये कौन कौन से होते हैं जैसे कि नंबर वन वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर क्या होता है जैसे कि पिक्चर में भी हम देख सकते हैं जिसमें हम कंपोजिंग करते हैं और क्या करते हैं कंपोजिंग के अलावा कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं पेपर टाइप कर सकते हैं आप कोई भी ए, इसके अलावा कुछ भी राइट करना हो इसमें हम वर्ड में करते हैं ठीक है अब इसमें क्या क्या होता है ये सारे क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं ठीक है थीके? और रिबन टैब होती है जिसमें होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंसेस मेलिंग प्रिव्यू रिव्यू एंड रिव्यू ठीक है व्यू ये सब होते हैं और जिसकी वजह से साइज़ को छोटा करना फॉर्मेट्स का ए, कोई भी राइटिंग चेंज करनी ये सारा कहाँ पे होता है वर्ड प्रोसेसर में ये किस लिए यूज़ होता है कोई भी कंपोजिंग करने के लिए ठीक है स्प्रेड शीट अब ये स्प्रेड शीट क्या चीज़ है अभी हमने पढ़ा वर्ड प्रोसेसर के बारे में ठीक है जो वर्ड होता है जिसमें हम कंपोजिंग करते हैं अब ये है एक्सेल बेसिकली ये क्या है एक्सेल में हम क्या करते हैं इसमें कॉलम्स होती हैं रॉज होती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी टाइपिंग करते हैं अगर हमने कोई रिज़ल्ट बनाना है बच्चों के नेम्स लिखेंगे फिर उनका जो है टोटल मार्क्स और मार्क्स सीरियल नंबर जैसे भी हम चाहें लिख सकते हैं ये हमारा है स्प्रेड शीट इसमें ग्रीडिंग होती है ठीक है तो जिसकी वजह से हर लाइन अलग अलग होती है हर कॉलम अलग होता है और इसीलिए हम इसमें भी कंपोजिंग कोई भी फार्मूला लगा के रिजल्ट वगैरह बना सकते हैं ठीक है थीके? अब है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए जैसे कि अगर हमने कोई काम करना है वीडियोस बनानी है स्लाइड्स पे पहले बनाएंगे फिर हम आगे लेक्चर डिलीवर करेंगे जैसे कि मैंने ये जो पूरी वीडियो बनाई है पहले मैंने स्लाइड पे से कंपोज किया है फिर मैं इस पर आपके लिए समझा रही हूँ कि ये सब क्या है ठीक है बताने के लिए ये प्रेजेंटेशन होती है ठीक है जैसे कि एक टीचर है यहाँ पे पीछे ये प्रेजेंटेशन दे रहा है बच्चों को काम करने के लिए बता रहा है कि क्या होता है क्या सब होता है तो पहले उसने स्लाइड बनाई है ठीक है फिर वो प्रेजेंट कर रहा है इसको ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है थीके? डाटा बेस मैनेजर्स अब ये डाटा बेस मैनेजर्स क्या होते हैं इसको देख लेते हैं एक बार डाटा बेस मैनेजर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम कोई सा भी डाटा जो ज़्यादा डाटा होता है मतलब कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिसे हम अपने फाइल्स में मतलब मैनुअली लिख नहीं सकते इनको हम डाटा बेस मैनेजर में रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे सीरियल वाइज़ होता है कोई नेम्स आ जा जाते हैं हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या देना है देना है कौन सा कॉलम है ठीक है सीरीज वाइज हम कर लेते हैं जैसे कि अगर हमने किसी का टेलीफोन नंबर जैसे कि आप सबके नंबर्स मैंने लेने हैं पहले आपके नेम लिखूंगी फिर टेलीफोन नंबर लिखूंगी अगर मुझे किसी का चाहिए होगा मैं सर्च करूंगी मुझे साथ ही मिल जाएगा ठीक है ये डाटा बेस मैनेजर ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं उनको सेव करने के लिए स्टोर करने के लिए बनाए गए होते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपका एजुकेशन में हेल्प करते हैं अगर आपसे कोई कहा जाता है कि आपने किसी एक टॉपिक पे ऐसे राइट करना है ठीक है तो आप क्या करेंगे पहले उसे गूगल करेंगे आप सर्च करेंगे उसके मुताबिक ढेर सारे पॉइंट्स ढूँढेंगे फिर उसको कम कंबाइन करके ठीक है फिर आप एक ऐसे राइट करेंगे ठीक है कोई भी इंफॉर्मेशन होती है स्टडी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन जैसे कि आपसे कहा जाता है कि आपने कोई एक टॉपिक लेना है उसकी एक्टिविटी करनी है फिर आप क्या करेंगे स्टडी मटेरियल ढूंढेंगे सारा फिर क्रिएटिविटी ढूंढेंगे फिर कलेब्रेशन कॉपरेशन फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस करेंगे कि ये क्या है कैसे करना है इसको क्या करना है प्रैक्टिस करेंगे उसकी ठीक है फिर ऑर्गेनाइजेशन प्लान फिर आप प्लान करेंगे कोई भी ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करेंगे प्लान ठीक है अगर आपने कोई गेम खेलनी है स्टडी से रिलेटेड ठीक है तो आप इजीली इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं ठीक है जैसे कि डिक्शनरी एप्लीकेशन आप सब भी यूज़ करते होंगे अगर कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप क्या करेंगे पहले एप्लीकेशन डाउन करें डाउनलोड करेंगे मोबाइल पे लैपटॉप पे फिर आप क्या करेंगे कोई भी वर्ड आपको मुश्किल लगता है आप उसको राइट करेंगे राइट करने के बाद उसके बाद आप उसका मीनिंग ढूंढेंगे कोई भी वर्ड है जो डिफ़िकल्ट लगता है सर्च करने के बाद उसका मीनिंग देखेंगे और कहेंगे कि ये मीनिंग है इसका ठीक है इंसाइक्लोपीडिया सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स इंसाइक्लोपीडिया ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अगर आपने कोई भी टॉपिक सर्च करना हो उस पर आप लिखते हैं और सारा जो होता है टॉपिक आपका यानी कि जो मटेरियल आपको चाहिए होता है वो बना हुआ आपके सामने आ जाता है ठीक है इसकी वजह से आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इंसाइक्लोपीडिया से मिल सकती है कोई भी आई सी वगैरह हो कुछ भी हो मतलब राइट करना हो तो आप इजीली यहाँ से भी देख के कर सकते हैं ठीक है दिस इज़ शोर होमवर्क टास्क शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज़ वट इज अ स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट क्या होता है जैसे कि अभी हमने इस टॉपिक में भी पढ़ा है आंसर है स्प्रेडशीट इज़ अ ग्रिड दैट ऑर्गेनाइज डाटा इन कॉलम एंड शॉज ठीक है जो स्प्रेडशीट होती है वो एक ऐसी ग्रिड होती हैं जिसमें आप कोई भी डाटा कॉलम्स uh, में और रॉज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ठीक है होमवर्क है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर फोर इज एक्सप्लेन हाउ इंसाइक्लोपीडिया सॉफ्टवेयर कैन बी हेल्पफुल फॉर अ स्टूडेंट आंसर है एन इंसाइक्लोपीडिया एप्लीकेशन हैज़ ह्यूज़ कलेक्शन ऑफ डिटेल्स अबाउट न्यूमरस कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स आज दे कैन सर्च रिफ्रेंसेज एंड इंफॉर्मेशन तो इंसाइक् इंसाइक्लोपीडिया एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हीज कलेक्शन ऑफ डिटेल्स मतलब कि अगर आपने कोई भी सर्च करना है कोई भी टॉपिक की उसमें ढेर सारी कलेक्शन होती है बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है ठीक है जिसे आप सर्च कर सकते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है फ़ायदेमंद होती है ठीक है और आप कोई भी रेफरेंस देके कोई भी इंफॉर्मेशन देके इजीली आप उसे सर्च कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट आपने इन दो क्वेश्चन को एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लर्न करना है शॉर्ट को बुकलेट पर और जो लॉन्ग है उसे अपनी नीट कंप्यूटर कापी पर राइट करना है ठीक है अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़